नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सुदूर इलाकों में 2005 नए रूटों पर परिचालित होगी सरकारी बसें। बिहार में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, कई जगहों पर लोग पलायन को मजबूर। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर बिहार में रोजाना 3 करोड़ रुपए हो रहे खर्च। अवैध बालू खनन करने वाले लाइनर और पासर पर अब होगी प्रशासन की नजर। राहुल द्रविड़ ने BCCI से की अपनी इनाम राशि को 5 करोड़ से घटाकर 2.5 करोड़ करने की मांग। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के मैदान में कुल 11 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला महागठबंधन की तरफ से RJD की बीमा भारती और NDA के उम्मीदवार के तौर पर JDU के कलाधर मंडल के बीच है। वोटिंग को लेकर रुपौली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर शाम 3 बजे तक 43% वोटिंग दर्ज की गई है। जिले के सभी सीमा को सील कर दिया गया है, तो वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर बूथ पर जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती भी की गई है। पटना के मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का आज मुख्यमंत्री नीतीश ने किया लोकार्पण। पटना के मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना के दीघा से दीदारगंज के बीच 20.5 किलोमीटर का JP गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। साल 2022 में पहले चरण में दीघा से PMCH तक मरीन ड्राइव का लोकार्पण CM नीतीश द्वारा किया गया था, जबकि दूसरे चरण में अगले साल 2023 को PMCH से गायघाट तक का विस्तार किया गया था और अब तीसरे फेज में गायघाट से कंगन घाट तक का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण आज CM नीतीश द्वारा किया गया। बिहार के सुदूर इलाकों में 2005 नए रूटों पर परिचालित होगी सरकारी बसें। अब राज्य के गांव और कस्बों में भी सरकारी बसों का परिचालन किया जाएगा। बिहार सरकार ने सुदूर में बसे गांव और कस्बे को बस सेवा से जोड़ने का फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 38 जिलों के प्रखंडों को जिला मुख्यालय और प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग ने 2005 नए रूटों पर बसों को चलाने का फैसला लिया, जिससे जुड़ी अधिसूचना मंगलवार को ही विभाग की तरफ से जारी कर दी गई थी। उन्नाव हादसे में 18 लोगों की हुई मौत, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देगा PMO। बुधवार की सुबह उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर टैंकर से टक्कर के बाद स्लीपर बस सवार 18 लोगों की मौत हो गई। बस बिहार के मोतिहारी जिले से मंगलवार को शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CM योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा दुख जताया है, तो वहीं PMO द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट के जरिए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर बिहार में रोजाना 3 करोड़ रुपए हो रहे खर्च। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार में अब तक 2,92,77,714 कार्ड बनाए जा चुके हैं। 23 सितंबर 2018 से 30 जून 2024 तक राज्य और बाहर के 934 अस्पतालों में 11,34,332 कार्ड धारकों ने अपना निःशुल्क इलाज कराया। 1,013,15,83,506 रुपए का भुगतान इलाज के लिए किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार के आयुष्मान कार्ड धारियों के इलाज पर रोजाना औसतन 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। राज्य स्तर के अस्पताल में इलाज के लिए राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर हो जाता है, जबकि दूसरे राज्यों के अस्पताल में इलाज की राशि का भुगतान 30 दिन के अंदर होता है। नीट पेपर लीक मामले में CBI की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले में CBI की जांच अभी तक जारी है। इसी कड़ी में CBI की टीम बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत हरैया गांव पहुंची। जानकारी के अनुसार हरैया गांव में नीट UG लीक मामले में एक आरोपित शिवनंदन कुमार, जो कि फिलहाल जेल में बंद बताया जाता है, उसके घर CBI साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंची थी। बता दें कि आरोपित शिवनंदन कुमार के पिता को भी CBI ढूंढ रही है। इसके अलावा CBI ने शिवनंदन कुमार के चाचा निरंजन यादव से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ के बाद CBI की टीम द्वारा निरंजन यादव को छोड़ दिया गया है।
बिहार में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, कई जगहों पर लोग पलायन को मजबूर। बिहार में मॉनसून की सक्रियता और नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों से आ रही लगातार पानी की वजह से बिहार की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा को छोड़कर लगभग सभी नदियां अपने उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 116 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बागमती और कोसी नदी 81 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी 110 सेंटीमीटर ऊपर है। नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा इलाके में भी लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। कई जगहों पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। पेपर जांच से सैकड़ों शिक्षक गायब, शिक्षक भर्ती में घपले की नई आहट। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें शामिल होने वाले सैकड़ों नियोजित शिक्षक सर्टिफिकेट जांच से गायब हैं। जांच से गायब शिक्षकों के अब फर्जी होने की आशंका है। जांच से गायब शिक्षकों की सूची मुख्यालय में गठित टीम द्वारा सभी जिलों को भेजी गई है और जिलों को स्कूल में उनकी उपस्थिति देखने का निर्देश दिया गया है। सूबे में जारी की गई 600 शिक्षकों की सूची में 53 शिक्षकों को दूसरे स्तर की जांच में औपबंधिक क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों को औपबंधिक क्लीन चिट दी गई है। किसी भी गड़बड़ी के अंदेशे से जिला स्तर से एक बार और जांच करने का आदेश दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से 20 अधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। ये सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं मूल कोटि के अधिकारी हैं। इनके अलावा दो जिले औरंगाबाद और सीवान के जिला परिवहन पदाधिकारी को भी बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। सीवान के DTO को पूर्वी चंपारण और मोतिहारी का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया, जबकि औरंगाबाद के DTO को औरंगाबाद में बंदोबस्त अधिकारी बनाया गया है। पटना स्थित दफ्तर को बचाने पटना हाईकोर्ट पहुंची RLJP। पटना स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुराने दफ्तर को नीतीश सरकार द्वारा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया गया है। वहीं अब RLJP के अध्यक्ष पशुपति पारस ने लोजपा दफ्तर का आवंटन रद्द होने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में रालोजपा की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट द्वारा मंजूर भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि पशुपति पारस की रालोजपा को जून महीने में नोटिस जारी कर दफ्तर खाली करने को कहा गया था। नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 2 साल के लिए कार्यालय चलाने के लिए भवन आवंटित किया जाता है। अगर पार्टियों को इसे आगे बढ़ाना है तो दफ्तर को हर बार रिन्यू कराना होता है, मगर भवन निर्माण विभाग के अनुसार RLJP ने इसे एक बार भी रिन्यू नहीं कराया था। हर दिन बढ़ रहे BSNL के ग्राहक। एक तरफ जहां दूर संचार मार्केट में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडा आइडिया जैसी प्रमुख प्राइवेट कंपनियां 5G के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं BSNL अब अपनी 4G सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके पश्चात भी पिछले 6 दिनों में BSNL 30,000 से अधिक सिम बेच चुका है। जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपना टैरिफ बढ़ाया है, तभी से लोगों का झुकाव BSNL की ओर बढ़ रहा है और लोग BSNL का सिम खरीद रहे हैं। अकेले सिर्फ 4 जुलाई को बिहार सर्किल में BSNL के 2500 नए सिम बेचे गए। इसके बाद लगभग 5500 नए सिम हर दिन बिक रही हैं। इसके अलावा 500 से अधिक ग्राहक अन्य कंपनियों को छोड़कर BSNL से जुड़ रहे हैं। अवैध बालू खनन करने वाले लाइनर और पासर अब होगी प्रशासन के निशाने पर। मॉनसून को देखते हुए अभी राज्य की नदियों से बालू खनन बंद है और सरकार के पास जो बफर स्टॉक है उससे बालू की आपूर्ति की जा रही है। वहीं रात के अंधेरे में अवैध तरीके से बालू माफिया लाइनर और पासर की मदद से बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने का निर्णय खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन, दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू पत्थर लादे वाहनों की वजह से होने वाली राजस्व क्षति और प्रदेश में बालू के अवैध कारोबार से निपटने सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया और बालू का अवैध खनन करने वाले तत्वों के लाइनर और पासर गैंग के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है।
इंजीनियर के पैर छूने लगे सीएम नीतीश, विभागीय सचिव ने हाथ जोड़कर सीएम को रोका। बिहार विधानसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश राज्य के सभी विकास योजनाओं को पूरा कर लेना चाहते हैं। इसे लेकर सीएम नीतीश लगातार अधिकारियों से किसी भी हाल में चुनाव से पहले काम पूरा करने को कह रहे हैं। अब इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री ने मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान एक अजीब वाकया घटा। मुख्यमंत्री नीतीश अचानक उठे और वहां मौजूद निर्माण एजेंसी के इंजीनियर का पैर छूने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े और कहा कि जल्दी से जल्दी काम पूरा होना चाहिए, कहिए तो आपका पैर छू लेते हैं। हालांकि विभागीय सचिव ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को रोक लिया। नीतीश लालू से बिहार की जनता हो चुकी है त्रस्त, प्रशांत किशोर का बयान। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता अब नया विकल्प चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की जनता का मूड समझा जाए तो सूबे की जनता नया विकल्प तलाश रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग नीतीश कुमार और लालू यादव के 32 सालों के शासन से इस हद तक झेल चुके हैं कि जनता अब नया विकल्प चाहती है। बिहार की जनता भाजपा और महागठबंधन दोनों के अलायंस से त्रस्त है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन वो विकल्प कौन होगा और कैसा होगा, इस पर व्यापक स्तर पर सकारात्मक बहस जरूरी है। राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई से की अपनी इनाम राशि को 5 करोड़ से घटाकर 2.5 करोड़ करने की मांग। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई द्वारा मिलने वाले 5 करोड़ के बोनस को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने इसे घटाकर 2.5 करोड़ रुपए करने की बीसीसीआई से मांग की है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को कुल 125 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया था, जिसमें कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। इसमें टीम के हेड कोच को 5 करोड़ रुपए मिलने थे, जबकि अन्य कोच को 2.5 करोड़ रुपए। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने भी अब अपनी इनाम राशि को घटाकर 2.5 करोड़ करने की गुजारिश की है। राहुल द्रविड़ का कहना है कि वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कोच की तुलना में अधिक रुपए नहीं पाना चाहते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनोद महात्मा, नौसाद रजा, वेद प्रकाश सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, पप्पू कुमार, नंद कुमार सिंह, कृतिका राज, रंजीत मिश्रा, चंद्रशेखर यादव, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, फिरोज अहमद, मोहम्मद इरफान, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, सोनू कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, उत्तम कुमार दास, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू रजा, मोहम्मद असगर कमाल, राम बाबू दास, मिथिलेश कुमार, बाबुल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज के मैच में भारतीय टीम के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।